उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की यात्रा और उनके बदले रंग रूप पर तंज कसते हुए कहा है कि रंग रूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो जनता को उन्हें समझने में 70 साल लगे हैं। समझ लिया तभी तो दूरी बना ली। अब राहुल गांधी कोई भी रंग रूप बदल लें, अब समाज उनके धोखे में नहीं आने वाला। दरअसल योगी के मंत्री से राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा और उनके द्वारा बढ़ाई गई दाढ़ी पर सवाल किया गया था। वहीं हाल ही में देवबंद से मदरसों को लेकर आए बयान पर भी संजय निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब मुसलमान समझ गया है कि ये दाढ़ी वाले हमें कितना गुलाम बना रहे हैं। मुसलमानों को पता चल गया है कि उनका वोट लिया और उन्हें गरीबी दी, उनकी स्थिति तो SC ST से भी खराब है। जहाँ तक भाजपा की बात है तो हमने तो उनके बच्चों को पढ़ाया है, अब उनके बच्चे भी IPS बन रहे हैं। और विरोध करने वालों का तो बस एक ही काम है, कुछ बच्चों के दिमाग में जहर घोलो और धार्मिक उन्माद पैदा करो और उन्हें अकेडमिक शिक्षा से दूर रखो। हमारी सरकार तो समानता देने की बात करती है, यही राम राज्य का मतलब है। संजय निषाद ने मैनपुरी उपचुनाव पर पूछे गए सवाल पर भी कहा कि उन्हें जनता जवाब दे रही है। दरअसल सपा द्वारा डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर योगी के मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय निषाद आज मुरादाबाद में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। आज एक पहल आह्वान बनाए मदद की उस गीतांजलि पांडे के अध्यक्ष जोड़ों की शादी थी मुरादाबाद जिले में, जिसमें ढेर सारे साथी उद्यमी हों चाहे कॉरपोरेट्स को हों चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अधिकारी कर्मचारी सब लोगों ने मिलकर उस 11 जोड़ों की शादी की है और संकल्प लिया है कि इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय होंगे उनकी समानता के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एक तरीके से उनके अंदर अपलिफ्टिंग की भावना हो, कभी नीचे न रहें, सभी लोगों को बराबर जीने का हक है, उस पर हम लोग कितना मददगार हो सकते हैं उसके लिए मैं बधाई देने आया था और आशीर्वाद देने आया था। और हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और मैं इस टीम को, पूरे इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, मैनपुरी में उपचुनाव है, फिर परिवार को टिकट दिया गया, इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाए और उसका जवाब जनता दे रही है। टिकट कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जज है, जवाब जनता देती है और दे रही है 2014 से लगातार और आगे देखते रहिए। ऐतिहासिक रूप से जवाब मैं राहुल गांधी भी यात्रा निकालने, उन्होंने अपना रंग रूप चेंज कर लिया है, दाढ़ी आ गई है बहुत लंबी, क्या कहें, किस तरह का भाई रंग रूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो 70 साल जनता को समझने में लगा। जब उनके रंग को कांग्रेस के रंग को समझ लिया जनता ने, दूरी बना लिया, अब कोई भी रंग बदले उससे धोखे में समाज नहीं आने वाला। एक मदरसों पर सवाल था, देवबंद से एक आवाज़ उठी है कि हमें सरकार के गुलाम नहीं बनाने हैं बच्चे और हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं देवबंद मुसलमान भी समझ गया है कि हमें कौन गुलाम बना रहा है। सच्चर कमेटी के माध्यम से मुसलमान जान गया है कि ये दाढ़ी वाले कितना हमें गुलाम बना रहे हैं, कि इन्होंने वोट डलवाया और बदले में गरीबी दी। सबसे ज़्यादा SC ST से भी दशा खराब मुसलमानों की है, तो गरीबी कितने दी है, इन्हीं लोगों ने तो वोट दिलवाया था। भारतीय जनता पार्टी तो आज मुसलमान के बच्चों को पढ़ा रही है, उनके बच्चों को भी ISP CDM कलेक्टर बनाना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है, और हमारी सरकार तो उन्हें खाना दे रही है, इलाज दे रही है, मकान दे रही है बिना भेदभाव के। तो भेदभाव बिना हम काम कर रहे हैं तो वो तो भेदभाव वाले हैं, उनके पास क्या है, उनका एक ही काम है कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलो, कुछ लोगों को धार्मिक उन्माद पैदा करो और बेचारों को उनको एकेडमिक शिक्षा से दूर रखो। हमारी सरकार चाहती है कि इस देश के जितने नागरिक हैं वो बराबर, राम राज का मतलब है सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से सभी योजनाओं को दिया जाए, उन्हें न्याय और सुरक्षा दी जाए।